मैं समझता हूँ ये घृणित सोच, घटिया सोच की उपज है। वीर सावरकर कोई कांग्रेस में तो पैदा ले ही नहीं सकता। अगर देखना हो वीर सावरकर की जिंदगी को तो सेलुलर जेट के उस कमरे को देख लें जो नेहरू खानदान का कभी यातना सहा नहीं और अपने को स्वतंत्रता सेनानी और देश के लिए बलिदान कहने वाले हैं। अब कुछ दिन बाकी रहेगा जब जिन्ना के पक्ष में ये किताब पढ़वाएंगे कि जिन्ना एक महान नेता थे। ये जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए सावरकर को गाली देते। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, देश को कमजोर करना, पाकिस्तान की भाषा बोलना। अभी जो भी घटना कर्म हुआ 370 से लेकर के आज तक यूनाइटेड नेशन में सबूत है कि देश को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान बोल रहा है या पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रहा है। चाहे 370 पर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर हो, चाहे 3 तलाक पर हो, चाहे CAA पर हो, दोनों को मिला लें, कांग्रेस और पाकिस्तान की जुबान एक है। ये देश जानना चाहती है ये भाषा किसकी है।